नमस्कार, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे शो फिट इंडिया में, जिसको स्पॉन्सरशिप दे रही है एक्सिको आयुर्वेदा कंपनी, जिनके 54 प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। आप सब जानते ही हैं कोरोना का टाइम चल रहा है, हमारी कोरोना केयर किट भी है जिसका आप सेवन करें, इस्तेमाल करें, आप कोरोना जैसे वायरस से दूर रहेंगे। रामायण सभी ने देखी होगी, जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी तो वैद्य सुषेण ने रास्ता बताया था कि कैसे लक्ष्मण शक्ति को दूर किया जा सकता है और लक्ष्मण को कष्टों से दूर किया जा सकता है। आज के समाज में जो योग टीचर्स हैं, योग आचार्य हैं, योग गुरु हैं, ये भी वैद्य सुषेण की तरह हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। कोरोना मेघनाथ शक्ति की तरह है, जिसको हम तभी दूर कर सकते हैं अगर हम सुषेण रूपी योगा टीचर, योगा थेरेपिस्ट, योगा आचार्य इनकी बातों पर अमल करें। आज एक ऐसे योग गुरु हमारे साथ हैं जो हमें ये बताएंगे कि कोरोना की लड़ाई में हमारी जीत कैसे हो। उनका नाम है रोहित पांडे, जिनको तकरीबन 2 साल हो चुके हैं योग इंडस्ट्री से जुड़े हुए, योग साधना कर रहे हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि कैसे आप स्वस्थ रहें, कैसे आप तंदुरुस्त रहें। कोरोना के पीरियड में उनकी जो राय होंगी, उनके जो सजेशंस होंगे, वो हमारे लिए बहुत अहम होंगे। जैसा आप सब जानते ही हैं कि लॉकडाउन को 1 वीक एक्सटेंड कर दिया गया है और हो सकता है कि ये लॉकडाउन पूरे मई में भी रहे। तो इस वक्त हमारा ये फर्ज है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ताकि हम सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट ना करें। रोहित जी, स्वागत है आपका हमारे शो में फिट इंडिया। नमस्कार, वंदे श्री गुरु परंपरा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नेशन लाइव चैनल को, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। और आज जैसा आपने मुझे प्रश्न किया है कि कोरोना के इस भयंकर दौर में, महामारी के दौर में, हम योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा कैसे फिट रह सकते हैं, क्योंकि मैं योग के क्षेत्र से हूँ और मैं आपको उसी विषय पर बताना चाहूँगा कि कैसे हम इस महामारी के दौर में अपना बचाव कर सकते हैं, परिवार का बचाव कर सकते हैं, समाज का बचाव कर सकते हैं। तो देखिए, कोरोना ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से है। इसको कोविड नाम इसका पहले था, इसकी कोविड फैमिली से ही ये बिलोंग करता है। और अभी जो इसका जो 2019 में इसका वर्जन आया था, जिसको कोविड 19 नाम दिया गया। तो पहले जब इसका जो नाम दिया जाता था किसी भी वायरस का, वो किसी पर्टिकुलर शहर के नाम से या किसी देश के नाम से, जैसे स्पेनिश फ्लू और जैसे जापान का भी एक वायरस था कुछ, तो ऐसे ही। लेकिन WHO ने इसका जो नाम दिया COVID-19, वो इसलिए दिया ताकि किसी देश पर या किसी शहर पर कोई आँच ना आए, वह शहर या देश बदनाम ना हो। रोहित जी, जैसा आप जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना में अब डूब चुका है, ऐसा लग रहा है जी। हर व्यक्ति अब डरा हुआ है। जैसे आपने देखा कि कई सारी कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन वो सब नाकामयाब हैं। हम कोरोना से दूर हो ही नहीं पा रहे हैं, उसके दुष्परिणामों से दूर हो ही नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार कोरोना है क्या, और इसके अब सेकंड फेज में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जी। कोरोना कोविड फैमिली का ही एक वायरस है, जो कोविड फैमिली जो बहुत पहले से मौजूद है, लेकिन जो कोविड 19 हमारे सामने आया था 2019 में आया, कोविड 19 इसको नाम दिया गया। WHO ने इसको ये 19 नाम से नाम दिया था। लेकिन जो इसका जो 2019 में नया स्ट्रेन आया था, बहुत भयंकर था और ये पूरे विश्व में तबाही का एक विकराल रूप ले चुका था, और उससे निपटना भी जोखिम भरा काम था। और उसमें ही हमने काफ़ी नुस्खे अपनाए थे, घर में रहे थे, सैनिटाइज़र, सोप यूज़ किए, और बहुत सारे जो तरह तरह के मास्क आते हैं उनका प्रयोग किया। लेकिन उन सब के बावजूद भी इसने अभी 2021 में एक नया स्ट्रेन इसका जो आया है और विकराल रूप में आया है, इन सभी का जो हमने इसके उपाय किए थे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि योग और आयुर्वेद में इसका पूर्ण रूप से इलाज है। हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना का इलाज है, हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में हम अपना इम्यून सिस्टम इतना अच्छा कर लें कि जो सामने वाला वायरस है, जो सामने वाला हमारा शत्रु है, वो हमारे ऊपर आक्रमण कर ही ना सके। तो इसलिए हम योग और आयुर्वेद के माध्यम से इसको दूर कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि योग से जुड़कर और आयुर्वेद से जुड़कर आप कोरोना जैसी बीमारी से दूर हो सकते हैं, उसके दुष्परिणामों से आप दूर हो सकते हैं। आपने आयुर्वेद की बात की सर, कि आयुर्वेद से हम कोरोना को दूर कर सकते हैं या कोरोना के जो दुष्परिणाम है उससे बच सकते हैं। सो आयुर्वेद से किस तरह से इलाज हो सकता है इस बीमारी का जी? आयुर्वेद में और योग में
चिकित्सा का सीधा सा सिद्धांत यह है कि हमें बीमारी को नहीं हटाना, हमारी बॉडी में जो भी विकृतियां हैं, जो भी टॉक्सिन्स जमा हैं, जो भी विषाक्त तत्व हैं, अगर हम उनको दूर कर दें तो स्वाभाविक है कि हमारी बॉडी जो है, नेचर ने एक ऐसा हमारा सिस्टम बनाया है कि अपने आप ही अपना अपूरण या जो प्रकृति के द्वारा जितने भी हमारी बॉडी में जो बीमारियां हैं वो स्वतः दूर हो जाती हैं हम अपना इम्यून सिस्टम अच्छा करने पर। तो योग और आयुर्वेद हमारे इम्यून सिस्टम पर काम करता है और वही इम्यून सिस्टम जो है हमें प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है जिससे हम सामने वाले जो बीमारी है, चाहे वो वायरस हो अथवा कोई भी बीमारी हो, संक्रमण हो, उससे हम बच सकते हैं। तो उसके लिए कुछ यौगिक उपचार भी हैं, तो अगर आप चाहे तो मैं उनको यहाँ पर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बिल्कुल। जिसमें देखिए, सबसे पहले इसके लक्षणों पर हम बात कर सकते हैं। तो लक्षणों में जैसे पहले इसके लक्षण थे कोरोना के, पिछली बार वाले में तो हम कहते थे कि गले में खराश है, ईचिंग हो रही है, कफ आ रहा था और सर्दी जुकाम, जीभ में स्वाद ना आना, ये सब चीज़ें थी। लेकिन इस बार इसके जो लक्षण हैं ये और ज़्यादा भयंकर हैं। इसमें हमारा डायरिया हो रहा है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, और भी जैसे हमारा हल्का बुखार, एक तो बहुत तेज बुखार जो 102 103 से ऊपर आता है, लेकिन इसमें बहुत तेज बुखार नहीं है, 100 101 बुखार है, लेकिन लंबे समय तक रह रहा है ऐसा बुखार, ड्राई कफ हमारी बॉडी में बन रहा है। और हमारे यहाँ जैसे पांच प्राण माने हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो जो प्राण का स्थान है, प्राण वायु का, वो हृदय माना जाता है। उसमें जो प्राण वायु है वो हमारे हृदय में जो कफ बन रहा है उसको कुपित कर रहा है और सूखा देता है कफ को। तो एक सूखा कफ अंदर ही अंदर बढ़ रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि कफ सूख चुका है। तो ये सब चीज़ें ड्राई कफ है। और बॉडी में पेन, शरीर टूटना, कमजोरी आना, ये सब उसके लक्षण हैं। और इसी में जब हम इनके उपचार की बात करते हैं तो आयुर्वेद में जैसे सूखी हमने खांसी की बात या कफ की बात करी थी, तो उस कफ को निकालने के लिए आप सरसों का जो तेल हो, उस सरसों के तेल में सैंधा नमक हम डाल के उसकी चेस्ट पर मालिश कर सकते हैं। तो उससे अगर जो गुनगुना तेल है, मालिश करने से धीरे धीरे कफ मेल्ट होगा और बाहर आ सकता है। इसके साथ रोज शहद खाएं, भल्लातक रसायन और अगस्त्य रसायन मार्केट में आता है वो लें। तो जो भल्लातक रसायन है ये कफ को तोड़ मरोड़ के बाहर को निकाल देता है। साथ में काढ़ा बहुत प्रचलित है मार्केट में, पाउडर भी आता है काढ़े का, तो वो डाल के लोग बना रहे हैं। लेकिन आप घर में ही जैसे हमारे किचन में खाना खजाना होता है, अदरक है, अजवाइन है, और जितने भी तुलसी है, गिलोय है, इन सब का काढ़ा पिए। तुलसी आप अवश्य से ऐड करें, गिलोय आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, टैबलेट हो अथवा जो गिलोय का रस आता है उसको ले लें, और जितने भी कैप्सूल्स वगैरह गिलोय की आती हैं, गिलोय घनवटी इत्यादि के नाम से, गिलोय आप अवश्य लें। एक बात आती है विटामिन सी की, तो विटामिन सी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, और शरीर के द्वारा विटामिन सीधे अवशोषित होते हैं बिना किसी पाचन के, बिना टूटे फूटे। तो विटामिन सी मार्केट में जो सिरप या कैप्सूल्स आती हैं वो लेने के बजाय आप विटामिन सी को, जो नेचुरल विटामिन सी के स्रोत हैं जिनमें संतरा है और अमरूद है, आंवला है इत्यादि, ये सभी विटामिन सी के भरपूर स्रोत हैं, और इनका जो रस है शरीर में सीधे मिलता है और शरीर में एक नया रस उत्पादित करता है जो कोरोना से लड़ने में अत्यंत सहायक है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। फिर एक जिंक यशद भस्म के नाम से मार्केट में आता है, वो भस्म भी आती है और टैबलेट भी आती है। तो जो जिंक है वो हमारे जितने भी भोजन के तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा इत्यादि, इन सब के अवशोषण में कार्य करता है, इनको पचाने का काम करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। सर, जैसे आपने बताया आचार्य जी कि योग कारगर है हमारी सभ्यता के अंदर, और जो कोरोना जैसा वायरस है उससे हमें दूर कर सकता है, आयुर्वेद से हम बच सकते हैं इस तरह की बीमारियों से। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो अब लॉकडाउन के पीरियड में घर रहेंगे, घर पे ही रहेंगे, तो घर पे भी योगा आसनों को कर सकते हैं बिल्कुल अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन से आसन हो सकते हैं, क्या हम वो आसन अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं? अभी तक मैंने आयुर्वेद की बात करी थी, अभी एक मार्ग आयुर्वेद का था, दूसरा है योग का। तो हम योग आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, षटकर्मों के माध्यम से ही अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ हमारी जो है सहकर्मी नेहा पांडे मौजूद हैं, जो आपको योगासन करके दिखाएंगी, और हम उनका स्वागत करते हैं। एक प्रणमासन, दो हस्तोत्तानासन, तीन पादहस्तासन,
चार अश्व संचलन, पांच पर्वतासन, छह अष्टांग नमस्कार, सात भुजंगासन, आठ पर्वतासन, नौ अश्व संचलन, दस पादहस्तासन, ग्यारह हस्तोत्तान, बारह प्रणमासन। अब नेहा जी आपको गोमुखासन करके दिखाएंगे, जिसमें हमारे जो पैर सीधे रहेंगे, बायां पैर दाएं पैर की दाएं तरफ और दायां पैर बाएं पैर की तरफ, बाएं थाई की तरफ होगा, घुटने के ऊपर घुटना होगा और दोनों हाथ पीछे की तरफ को पकड़ लेंगे और होल्ड करना है 1 से 3 मिनट, ऐसा प्रयास करें। अब हम वज्रासन में बैठेंगे। इसमें जो हमारे दोनों एंकल्स होंगे थाई के नीचे होंगे और जो काफ मसल्स है उसके ऊपर हम लोग बैठेंगे। ये जो वज्रासन है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बल प्रदान करता है, हमारे पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के अवशोषण में मदद करता है। कम से कम 10 से 15 मिनट भोजन के बाद इसे अवश्य करना चाहिए। अब हम उष्ट्रासन प्रारंभ करेंगे। वज्रासन की अवस्था में ही बैठकर हमें घुटनों के बल खड़े होना है और अपने दोनों एंकल्स को पहले दोनों पैरों के बीच में आधे फीट का गैप दे करके हाथ पीछे ले जाते हुए दोनों एंकल्स को पकड़ लेना है और अपना जो एब्डोमिन रीजन है उसको आगे की ओर पुश करते हुए गहरा श्वास भरना है। ये चेस्ट के लिए और पेट के लिए दोनों के लिए अच्छा है। अब हम सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। यह सर्वांगासन हमारे मस्तिष्क को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है और हमारे जितने भी बॉडी के हार्मोन्स हैं उनको टोन करता है, क्योंकि जितने भी ग्लैंड्स बॉडी में होती हैं उन सब का मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड है और वहाँ तक ये ब्लड पहुँचाता है और उसको प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसके लिए धीरे धीरे हमें अपने पैरों को उठाना है और अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखते हुए ऊपर उठना है, 90 डिग्री उठ जाना है और आपका चिन लॉक हो जाएगा। अगर सक्षम हो तो हम शीर्षासन भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसन सभी लोग कर सकते हैं सर्वांगासन, इसीलिए हम सर्वांगासन करवाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वापस आ सकते हैं। अब हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रारंभिक अवस्था जो है पश्चिमोत्तानासन की तैयारी के लिए वो करेंगे। दंडासन में बैठते हुए दोनों हाथ ऊपर करेंगे और हमें श्वास पहले धीमा लंबा गहरा श्वास भरना है। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों एंकल्स को पकड़ें, टच करें, वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए एंकल्स को टच करें, वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी प्रकार से यह क्रिया 10 से 15 बार दोहरानी है और अंत में हमें अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लेना है और प्रयास करना है कि आपका जो सर है वो आपके घुटनों से मिले, घुटनों को स्पर्श करें और इसमें 1 मिनट रुकने का कम से कम प्रयास करना है। सर, अंतिम में मैं आपसे एक सवाल चाहता हूं। जैसा आपने देखा कि इस समय हर नागरिक डरा हुआ है और लोग सोच रहे हैं कि ये जो कोरोना है ये शायद अब हमारी जिंदगी से हटेगा ही नहीं, इस स्थिति के अंदर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे एक योग आचार्य होने के नाते कि वो कैसे अपना मनोबल बढ़ाए और कैसे योग से जुड़कर इस तरह की बीमारियों से दूर रहें? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले मैं दर्शकों को सलाह देना चाहूँगा कि आज मार्केट में तथाकथित जो भी न्यूज़ चैनल हैं जो जिन्होंने एक भयाक्रांत रूप लोगों के मन में इतना भय डाल दिया है कि वो कोरोना को कोरोना हुआ नहीं है, वो पहले ही भय के मारे उनका मनोबल गिर जा रहा है, तो ऐसे भयावह न्यूज़ चैनलों को देखने से बचें।
आप इस प्रकार के न्यूज देखें, इस प्रकार के समाचार सुने कि जो आपको सटीक जानकारी दे लेकिन आपके मन में भय उत्पन्न ना करें। आप सतर्क रहें, सजग रहें, सचेत रहें, आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें, समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें, काढ़ा प्रयोग करें और भी मास्क का प्रयोग करें, जितने भी सरकार द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें और जब आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलें। जब आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलें, इन ये स्टेटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। अगर गैर जरूरी चीज़ों के लिए भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इसके साथ साथ आप अपने लिए भी खतरा हैं और देश के लिए भी आप खतरा हैं। जैसे हमारे योग आचार्य रोहित पांडे जी ने बताया कि आप आयुर्वेद का सहारा लें, योग का सहारा लें, आप इस तरह की बीमारी से बच पाएंगे, इस वायरस के दुष्परिणामों से आप बच पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब हमारी सभ्यता की तरफ वापस लौटें, अपनी सभ्यता को समझें, आयुर्वेद की ताकत को समझें, हमारी इस मुहिम को आप सक्सेस करें। और सबसे बड़ी बात, ये जो समय है ये एक बुरा समय है, ये बीत जाएगा। योग का सहारा लीजिए, आयुर्वेद का सहारा लीजिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा। वो आप तभी बढ़ा सकते हैं जब आप खुद को मोटिवेट खुद ही करेंगे। हम फिर आएंगे आपके सामने नए कुछ सॉल्यूशंस को लेकर, नए कुछ सजेशंस को लेकर, नए आचार्यस को लेकर, और वो आपको जो भी बताएं आप इस कड़े पीरियड में उसका सहारा ज़रूर लें। हमें आप इजाज़त दीजिए, हम आएंगे दोबारा। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।